जेक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर जांजगीर के नगर पंचायत रहौस से निकलकर सामने आ रही है, जहां नगर पंचायत उपाध्यक्ष के बेटे के पान ठेले से ही आबकारी टीम ने 17 लीटर मोहन शराब जब्त की है। आपको बता दें कि आबकारी टीम द्वारा अवैध कच्ची शराब बेचने वाले पर लगातार छापे मार कर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में सिवरी नारायण थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत रहौद में चल रही अवैध कच्ची मोहन शराब बेचने की शिकायत पर आबकारी टीम ने योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी करते हुए कार्रवाई की है, जहां नगर पंचायत उपाध्यक्ष के पुत्र सतीश यादव महामाया मंदिर के पास पान ठेले की दुकान में करीब 17 लीटर मोहन शराब की बिक्री कर रहा था, जहां मौके पर आबकारी की टीम पहुंचकर गिरफ्त में लिया गया था, लेकिन साथ ही मोहन तस्कर आबकारी टीम को चकमा देकर फरार हो गया। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। जांजगीर चांपा जिला कच्ची मोहन शराब बेचने वालों का गढ़ बन चुका है। लगातार प्रशासनिक कार्रवाई के बावजूद धड़ल्ले से बिक्री जारी है। कच्ची मोहन शराब की बिक्री में जांजगीर चांपा जिले को अवार्ड मिलना चाहिए। देखते हैं कि आबकारी विभाग की कार्रवाई कहां तक जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ जांजगीर नगर राजा भाटा से बालेश्वर को सिर्फ खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।